ફરી પછી આપનું સ્વાગત છે. તે ગાર્ડન રિચ શિપબિલ્ડર્સે ગ્યાનાની સરકાર પાસેથી 12 મિલિયન ડોલરનો ઓર્ડર મળ્યો છે અને આ ઓર્ડર પેસેન્જર શિપ અને કાર્ગો વેસલ બનાવવા માટે મળ્યો છે. કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વી કે સક્સેના આપણી સાથે જોડાયા છે. સર, ગુડ આફ્ટરનૂન. ઓર પહેલે તો બતાએ કે આપકી કરંટ ઓર્ડર બેકલોગ કિતના હૈ ઓર જો નયે ઓર્ડર કા ટાઈમલાઈન ઓર રેવન્યુ અક્રુઅલ્સ કૈસે રહેંગે. નમસ્કાર પ્રીતિ જી. हमारा जो करंट ऑर्डर बुक है, एक्सक्यूटेबल जिसको कहते हैं, वो 26,199 करोड़ के आसपास है, जो कि इंडियन नेवी के 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमको एक्सक्यूट करना है, और 15 जहाज टोटल बनाने हैं 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर हमको. और ये जो अभी जो हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर आप जैसे बताया आपने गवर्नमेंट ऑफ गयाने के लिए, उसमें हमको 12.7 मिलियन, दैट मीन अराउंड 94 करोड़ के लगभग का ये ऑर्डर है. और इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग बहुत ही जल्दी अगले 2-3 महीनों में हम लोग शुरू कर देंगे, और डिजाइन बेसिकली पहले करना जारी करना जो कि शुरू हो चुका है डिजाइन काम तेजी से, और अगले 3 महीने में हम लोग उसमें तमाम कंस्ट्रक्शन काम शुरू करेंगे. इसका मतलब ये है इसकी रेवेन्यू जो है वो FY 22 के स्टार्टिंग से हमको आना शुरू हो जाएगी. और सोचना है कि ये जो जहाज से कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही टाइट है, हमें 12 महीनों में कंस्ट्रक्शन खत्म करना और 18 महीने जहाज को वहां पे ट्रायल वायर करके इसको ऑल द वे साउथ अमेरिका रीजन तक सेल करना है यहां से. तो 18 महीनों में हमको जहाज को डिलीवर करना है. तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह काम हमें करना है वो बहुत तेजी से हम लोग काम करेंगे, और इसके रेवेन्यू जो हमारा है वो अगले बरस में हमको ये अक्रू होना शुरू हो जाएगा. जी सर, आपने वो कहा कि और ये जो P-17A क्लास जो फ्रिगेट है जिसके पर आप काम कर रहे हैं, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और 3 ऐसे आप करने वाले हैं, तो कैसा अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्या उसकी टाइमलाइंस रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो 17 अल्फा प्रोजेक्ट है 3 स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट बनाने का भारतीय नौसेना के लिए, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत लगभग 19,190 करोड़ के आसपास है 3 जहाजों की, और ये तीनों जहाजों में काम शुरू हो चुका है. और आपने शायद सुना होगा कि हमारा जो पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है वो ऑलरेडी हमने 14 दिसंबर को लॉन्च कर दिया, 2 महीना एड ऑफ शेड्यूल. तो अब लॉन्चिंग के बाद में वो जहाज की आउटफिटिंग तेजी शुरू हो जाएगी. इसमें ये तमाम इक्विपमेंट, उसमें वेपन सेंसर्स, मिसाइल सिस्टम्स और गन्स वगैरह और तमाम अन्य चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी, जिससे कि हमारा जो रेवेन्यू जो है वो उसका जो स्केल है बहुत बढ़ जाएगा. और दूसरा जो जहाज है उसका भी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है, स्टेल्थ फ्रिगेट का, और उसका जो हमारा प्लान है वो हम एक साल के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे. तीसरे का भी कील लेइंग हम लोग अगले 2 महीनों में करने वाले हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है. हालांकि पिछले बरस पेंडेमिक था, पर डिस्पाइट ऑफ पेंडेमिक हमने जहाज को लॉन्च किया है, और इसके बावजूद हम लोग कील भी ले करने वाले हैं तीसरे जहाज की. तो तीनों जहाजों में काम जिस तरह हमने प्लान किया था उस मुताबिक चल रहा है. जी, जो पेंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए, अभी भी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, वो हिसाब से लेबर अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ मटेरियल चेन वो कैसा है? क्योंकि अभी भी नॉर्मलसी इतनी नहीं रही है, आपने पिछले दिनों में उसकी दिक्कत देखी है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे पहले दो क्वार्टर थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, और सभी ने फोर्स मेजर क्लॉज मांगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिले हुआ है उसको. पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो तीसरा क्वार्टर है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहा है पहले दो क्वार्टर के चलते, और चौथा क्वार्टर जो है हमारा वो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा. हालांकि इफेक्ट जरूर रहा है, और अभी भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम अपने ग्रुप्स छोटे ही रखेंगे, तो निश्चित रूप से उस स्केल पे हम लोग नॉर्मल जो स्केल में काम होता नहीं कर पा रहे हैं. पर उसके इन सब रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था टारगेट थे वो हम करते रहे. हालांकि नंबर्स वाइज, हमारा रेवेन्यू वाइज उतना ज्यादा क्योंकि सप्लाई चेन में अफेक्टेड था, पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितना रिकवर कर सकें, और पेंडेमिक अभी भी बाहर नहीं गया है, अभी टीकाकरण शायद जारी होने वाला है, तो हम सब सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हम इस पर कंट्रोल पा सकें. पर स्थिति पूरी नॉर्मल नहीं हुई है, पर हमारी कोशिश है कि हमने नए जो कुछ तरीके अपनाए हैं उससे हम लोग थोड़ा बेहतर सकें. जी, और आने वाले अगले साल में
मेरा पूरा भरोसा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर करेंगे, बहुत ही बढ़िया करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। जी विपिन जी, उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट और बेस्ट विशेस हमारे, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। साथ ही